अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दराज वीडियो सीरीज़। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड मैनेजमेंट, कि आप अपनी दराज की ऑनलाइन शॉप में प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट कर सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आप अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट को हम क्रिएट करना सीखेंगे, प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है और प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली हम इसको या अपने दराज सेलर सेंटर से जाके लॉगिन करके इसको ऐड करेंगे। फिर इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग और स्टॉक को कैसे अपडेट करते हैं, वो भी आज हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्विस एंड डिलीवरी, जो आपके सर्विस चार्जेस हैं और डिलीवरी की जितनी भी आपकी जो डिटेल है, वो भी हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड मैनेजमेंट में सीखेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट के जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि नेसेसरी होते हैं अपलोड करना, आप उनको कहाँ से जाके अपडेट करेंगे। लास्ट पे जो है हम इमेज की गाइडलाइंस को कवर करेंगे। कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी फोटोग्राफी से लेके उसकी डायमेंशन तक हर चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आप अपने दराज के ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी एक लोकल मार्केट में शॉप है, आप वहाँ पर जाते हैं, शॉप के रैक्स में आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं, कस्टमर आके वो चीज़ देख के आपसे परचेज करता है। तो इसी तरह सेम काम हम अपनी ऑनलाइन शॉप में करेंगे। हम अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन शॉप में कैसे लाइव करते हैं, अब हम अपने दराज के सेलर सेंटर पर लॉगिन होंगे और वहां जाके प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे लाइव कर सकते हैं। तो चलें अब हम अपने दराज के सेलर सेंटर पर लॉगिन होते हैं और वहां जाके इसका प्रैक्टिकल एक ओवरव्यू करते हैं। जी, सेलर सेंटर में जब हम लॉगिन होंगे आप, तो आपको टॉप लेफ्ट पर सबसे ऊपर मेन्यू शो हो रहा है प्रोडक्ट्स का। आप उसकी सेकेंड ऑप्शन एड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, जब आप ये पेज ओपन करेंगे तो आपसे दराज सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, आप प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई यूज़र आके दराज पे सर्च करता है प्रोडक्ट को, तो वो आपके उसका जो दराज का एल्गोरिदम है, वो आपके प्रोडक्ट नेम को डिपेक्ट करता है कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोडक्ट लैपटॉप को ऐड करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट नेम किस तरह लिखना है। प्रोडक्ट नेम के लिए एक फॉर्मूला है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप ब्रांड नेम मेंशन करते हैं, उसके बाद मॉडल नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, उसका कलर। तो इस फॉर्मूला के अगेंस्ट हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट नेम एंटर करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट नेम जैसे ही एंटर किया, यहाँ पर उसने मुझे कुछ कैटेगरी सजेशन में देना शुरू कर दी है। कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, ये आपकी पेरेंट कैटेगरी है, लेवल 1 कैटेगरी, इसके बाद लेवल 2 कैटेगरी एंड लेवल 3 कैटेगरी, लेवल 4 कैटेगरी किसी किसी कैटेगरी में होती है, किसी में नहीं भी होती। हम बेस्ड ऑन सजेशन हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और अपने लैपटॉप जो हमारी प्रोडक्ट है जो हमने एज्यूम किया, हम इसको यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देते हैं। जी, जब आप कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपसे वो कुछ मजीद डिटेल्स मांगेगा। इसमें सबसे पहले वीडियो URL, अगर आपके पास कोई YouTube की वीडियो मौजूद है जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है, आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें ब्रांड है, हमको ब्रांड सेलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं HP, क्योंकि हम HP का लैपटॉप एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद डिस्प्ले साइज़, इसको मैंशन करना ज़रूरी है, हम यहाँ पर बिलो 32 इंचज़ को सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद प्रोसेसर को इंटर कोर i3। इसके बाद आप जब मोर पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ मजीद और ऑप्शन शो करेगा जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, आपको उसी कैटेगरी से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं उन्हीं का ही फॉर्म ओपन होगा। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर जाके सारी इंफॉर्मेशन को अपलोड करें या ना भी करें, क्योंकि ये सारी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फिल कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट SEO रैंक में बहुत ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से लेस पे क्लिक करके इसको ऑफ कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। प्रोडक्ट डिटेल में सबसे पहले आपके पास आता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स क्या होता है? हाइलाइट्स बेसिकली आपकी प्रोडक्ट के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन, जो कि कस्टमर सबसे पहले यहाँ पे व्यू करता है। तो यहाँ पे हम एज अ एग्जाम्पल के तौर पर अपने लैपटॉप की कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे मैंशन कर देते हैं। जी, यहाँ पे ये मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए अपनी प्रोडक्ट की हाइलाइट से रेलिवेंट। नीचे वो मेरे से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पूछेगा। जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाके अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हम अपने केस में फोर्स फोर यहाँ पे अपनी डिटेल की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, नीचे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में जस्ट इसको आप कॉपी करके इधर भी पेस्ट करते हैं।
उसके बाद आता है कि व्हाट्स इन द बॉक्स, कि जो कस्टमर को पैकेज रिसीव होगा उसके अंदर क्या चीज होगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं वन लैपटॉप विद वन चार्जर, ये हमारे बॉक्स में होगा जो कि कस्टमर को रिसीव होगा। उसके बाद लास्ट पे आता है प्राइस एंड स्टॉक। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है कलर फैमिली, कि जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कलर क्या है। हम यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो आपसे कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोड करें, तो हम यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर देते हैं। जी यहाँ पे मैंने इसकी दो इमेजेस अपलोड कर दी हैं। नीचे वो पूछ रहा है द फर्स्ट वेरियंट इमेज, वेरियंट इमेज विल बी यूज एज वेरियंट थंबनेल। अगर तो आपकी प्रोडक्ट वेरिएशन के साथ है, वेरिएशन के साथ होने का मतलब क्या है कि आप कोई टी शर्ट सेल कर रहे हैं, वो सेम टी शर्ट है बट उसके कलर्स डिफरेंट है, तो हमारे केस में वेरिएशन अभी नहीं है तो हम इसको फिलहाल छोड़ देंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट सिर्फ लिस्ट कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक में भी नहीं है, तो आप इसको ऑफ कर दें, अदरवाइज आप इसको अवेलेबिलिटी को ऑन कर देंगे। कलर फैमिली ब्लैक है, प्राइस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 40,000। इसके बाद स्पेशल प्राइस बेसिकली तब आप यूज करते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट पे कोई प्रमोशन देना चाह रहे हो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, स्पेशल प्राइस में लिख देते हैं 40,000 के बजाय हम फॉर अ लिमिटेड टाइम 2,000 रुपया सस्ता बेचेंगे अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे मैं 38,000 लिख देता हूँ और प्रमोशन की डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, ये कब से कब तक स्टार्ट होगी। स्टार्ट डेट और एंड डेट आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप दराज की वेबसाइट पर इस डेट पर आएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस खुद बहुत 2,000 रुपये सस्ती हो जाएगी और ये उस टाइम के बाद दोबारा वापस 40,000 पे अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है क्वांटिटी, क्वांटिटी में मैं लिख देता हूँ मेरे पास कितने स्टॉक में पड़े हुए हैं, यूनिट्स 20। अगर आप फ्री आइटम्स इसके साथ दे रहे हैं तो फ्री आइटम लिख दें। सेलर SKU, सेलर SKU बेसिकली आपकी अपनी रिमाइंड के लिए होता है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट का ID क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HP लैपटॉप, इसके बाद आती है ऑप्शन सर्विस एंड डिलीवरी की वारंटी टाइप। वारंटी टाइप यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ये मैंडेटरी कीवर्ड है आपका इस प्रोडक्ट का। यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं ब्रांड वारंटी, मोर पे क्लिक करते हैं, वो पूछता है वारंटी कितने टाइम के लिए, मैं यहाँ पे 1 ईयर की सेलेक्ट कर देता हूँ वारंटी। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे पैकेज का वेट, कि जो कस्टमर को पैकेज जाएगा वो उसका वेट कितना होगा। मैं यहाँ पे 2 kg मेंशन कर देता हूँ। पैकेज की डायमेंशन है, लेट्स से मेरे पास फॉर सपोज 50 लेंथ है इसकी, 40 विड्थ है एंड हाइट इसकी 30 cm है। तो यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स आपने फिल कर लिए। अब आप यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई ब्रांडेड, कोई रजिस्टर्ड ब्रांड की प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल HP हमारे केस में, हम HP की प्रोडक्ट वैसे सेल नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर ना हो और वो हमें दराज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब तक हम या उनके ऑथराइज डीलर नहीं होंगे तब तक हम उनकी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। तो इसको हम डिटेल में जाके देखेंगे कि आपने प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना जो आप दराज पर बेचने जा रहे हैं, ताकि आपको इस किस्म का कोई इशू ना आए। अब हम लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, प्रोडक्ट की इमेजेस और फोटोग्राफी से रेलेवेंट। अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं और किन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है जब आप अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की फोटोग्राफी और इमेज से रेलेवेंट। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कलर और मटीरियल को आपने सबसे पहले क्लियरली शो करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेदर जैकेट्स बेच रहे हैं, आप फैसलाबाद से आप टॉवल सेल कर रहे हैं, तो आप उसके मटेरियल को क्लोजली कैप्चर करेंगे और उसके कलर को आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेंगे, ताकि कोई भी कस्टमर आपके पास आए तो वो आपको ये ना क्यूरी कर सके कि इसका इमेज का एक्चुअल में कलर क्या है और इसका मटेरियल क्या है। तो वो आप बहुत अच्छे से फोटोग्राफी करेंगे ताकि कस्टमर आपको आके ऑर्डर दें। उसके बाद आप मल्टीपल एंगल से प्रोडक्ट लें। फॉर एग्जाम्पल आप कोई शर्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसकी फ्रंट से एक पिक्चर लें, आप बैक से एक पिक्चर लें, इसके अलावा डिफरेंट एंगल्स को कवर करके आप 5 से 6 पिक्चर्स अपलोड करें, ताकि यूज़र आपके पास आए वो आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से देखे और आपको ऑर्डर दे दे। एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसके ब्राइटनेस और लाइटनिंग का आपने बहुत ख्याल करना है फोटोग्राफी में, क्योंकि अगर अंधेरा आएगा प्रोडक्ट की इमेज के अंदर तो वो फिर कस्टमर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। वैसे तो 2 इमेजेस मैंडेटरी हैं, 2 तो आपने लाजमी अपलोड करनी है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 6 to 8 इमेजेस है। 6 इमेजेस आप अपलोड करें क्योंकि कस्टमर आता है वो आपकी प्रोडक्ट की 2 से 3 पिक्चर्स को देखते हैं, जिसमें आप इन्फोग्राफिक्स के साथ भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक इमेज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रोडक्ट की डायमेंशन को उस पिक्चर के ऊपर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद है साइज चार्ट। साइज चार्ट जो है वो फैशन और कैटेगरी की वो उसमें लाजमी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोदिंग के आइटम सेल कर रहे हैं, कोई टी शर्ट सेल कर रहे हैं,
तो आपको साइज चार्ट अपलोड करना लाजमी होगा। इमेज का जो फॉर्मेट है वो PNG में, JPG में, GIF में या JPEG में आपका हो सकता है, वो सारा एक्सेप्टेबल है। इमेज की जो डायमेंशन हैं वो 1000x1000 से लेके 2000x2000 पिक्सल तक की जो है वो दराज आपको अलाउ करता है। इस डायमेंशन की रेंज में आप अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए आपकी इमेज का, मैक्सिमम वो 3 MB होना चाहिए, बट रिकमेंडेड ये है कि आप 300-400 KB से ज़्यादा की इमेज अपनी अपलोड ना करें, क्योंकि वो एक तो लोड भी जल्दी हो जाएगी और ईजीली कस्टमर को शो भी हो जाएगी। फर्स्ट इमेज जो है वो आपका फ्रंट व्यू होना चाहिए प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी जो फ्रंट पिक है वो आपकी मेन इमेज होनी चाहिए, ना कि आप बैक साइड को फ्रंट इमेज में पहले इमेज में शो कर दें। इसके बाद जब आप इमेजेस अपनी अपलोड कर देते हैं तो दराज की QC टीम 3-4 डेज रहती है उसको अप्रूव करने में, उसके बाद वो लाइव हो जाती है। अब हम बाद में लास्ट में बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की। डू नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स। आप जब भी प्रोडक्ट अपनी सेल पर लगा रहे हैं आपने कभी भी कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे जिसकी 1 ईयर की वारंटी है तो आप कभी भी 2 ईयर्स वारंटी नहीं लिखेंगे, हमेशा 1 ईयर वारंटी ही लिखनी है जो एक्चुअल में है। इसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देनी। ये आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है कि आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपनी बैंक की डिटेल कुछ भी आप मेंशन नहीं करेंगे, नहीं तो दराज आपको डीलिस्ट कर देगा। इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन ना दें, प्रोडक्ट की जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को मेंशन करें, कोई भी इररेलीवेंट आप जो है वो उसमें बात ना करें बाद में, ताकि आपको कोई क्लेम ना आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और फुलफिलमेंट बाय दराज और सेलर, इन दोनों मॉड्यूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।